दोस्तों बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही डाक विभाग के कर्मचारियों को भी अब हाउस बिल्डिंग एडवांस दिया जाएगा। इसके लिए डाक विभाग ने 5 जनवरी 2018 को एक लेटर जारी किया है सभी सर्किल हेड्स को और जो जीएम है उनको, और इसमें इन्होंने ये क्लियर किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जारी 9 नवंबर 2017 का जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए भी लागू रहेगा, और उसके अनुसार ही मकान बनाने के लिए या कोई साइट परचेज करने के लिए या फ्लैट परचेज करने के लिए डाक विभाग के कर्मचारियों को भी हाउस बिल्डिंग एडवांस दिया जाएगा। दोस्तों जैसे कि जो 9 नवंबर 2017 वाला जो ऑफिस मेमोरेंडम है उनके अनुसार मिनिस्ट्री ने ये क्लियर किया था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाने वाला जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है उसका अमाउंट 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया था, और अब कोई भी केंद्रीय कर्मचारी किसी भी यानी अपना घर बनाने के लिए अपना पहले से घर है उसको और बड़ा बनाने के लिए या फिर कोई ज़मीन पर यानी प्लॉट परचेज करने के लिए या फिर फ्लैट परचेज करने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपया तक का एडवांस ले सकता है, और यदि दोनों हस्बैंड और वाइफ जॉब में हैं या तो दोनों अलग अलग से हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए हमने पहले से भी एक वीडियो डाला हुआ चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं, उसमें हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स 2017 के बारे में डिटेल से बात की गई है, तो आप उसको देखकर जो भी इसका पूरा प्रोसेस है वो जान सकते हैं कि कैसे आपको मिलेगा, क्या आपको उसके लिए करना होगा, इन सब के बारे में उसमें बताया गया है, तो आप उस वीडियो को एक बार कृपया देख लीजिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि डाक कर्मियों के लिए भी अब हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स जारी कर दिए गए हैं, तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको कर्मचारियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट आती है। धन्यवाद।